Welcome to Bembo's Yatra. First, I will thank everyone who has liked my videos, subscribed to my channel. My thanks to them जिन्होंने मेरे videos देखे हैं and now watching the video. हम लोग कर रहे हैं NISM Series 5A exam की तैयारी, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 20 MCQs from Chapter 4. Mutual Fund Distributor Certification Exam के ये chapter है, Legal and Regulatory Framework. ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड MCQs ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स, जो आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, जो अभी दिख रहा है इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन. तो चलिए शुरू करते हैं MCQs फ्रॉम चैप्टर 4. क्वेश्चन नंबर 1. Which amongst the following regulates market of mutual funds in India? इनमें से कौन इंडिया में म्यूचुअल फंड के मार्केट को नियंत्रित करता है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए म्यूचुअल फंड द्वारा सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. IRDAI इंडिया में इंश्योरेंस मार्केट को नियंत्रित करता है. MFI म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के रजिस्ट्रेशन करता है. MFI आल्सो सेट्स गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज टू रिकमेंड एंड प्रमोट बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ म्यूचुअल फंड मार्केट. सेबी इंडिया में सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड मार्केट को नियंत्रित करता है. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, सेबी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर पास टू डैश. म्यूचुअल फंड्स के रिस्क और रिटर्न किसको दिए जाते हैं? म्यूचुअल फंड एक पास थ्रू व्हीकल है. स्पॉन्सर्स AMCs म्यूचुअल फंड बिजनेस के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से है. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को सभी रिस्क, लॉसेस, वैल्यूएशन के रिटर्न पास करता है. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड्स मे नॉट बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन डिलीवरी बेसिस. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. म्यूचुअल फंड्स डिलीवरी बेसिस पे सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री नहीं भी कर सकते हैं. ये स्टेटमेंट सही है या गलत? म्यूचुअल फंड केवल डिलीवरी बेसिस पे सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री करते हैं. खरीदी गई सिक्योरिटीज को हमेशा म्यूचुअल फंड के पास ट्रांसफर किया जाता है एंड दीज आर हेल्ड बाई कस्टोडियन. म्यूचुअल फंड्स को इंट्राडे ट्रेडिंग करने की अनुमति नहीं है. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल कॉर्पस दैट एन ओपन एंडेड डेट फंड मस्ट इन्वेस्ट इन लिक्विड एसेट. एक ओपन एंडेड डेट फंड को टोटल एसेट का मिनिमम कितना परसेंट लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? ओपन एंडेड डेट फंड को अपने कॉर्पस का कम से कम 10% लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए. इन्वेस्टर्स की रिडेम्पशन नीड्स को सुनिश्चित करने के लिए ये लिक्विडिटी को मेंटेन करना जरूरी है. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल कॉर्पस शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज. टोटल कॉर्पस का कितना परसेंट इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए? ईएलएसएस फंड में 1.5 लाख तक टैक्स डिडक्शन फैसिलिटीज है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. इसमें 3 साल की लॉक इन पीरियड भी होती है. एटलीस्ट
80% of ULSS funds should be invested in equity and equity linked securities. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ऑडियो विजुअल मीडिया बेस्ड एडवर्टाइजमेंट द 14 वर्ड स्टैंडर्ड वार्निंग शुड रन फॉर डैश सेकंड्स इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर. ऑडियो विजुअल बेस्ड एडवर्टाइजमेंट में 14 वर्ड्स की स्टैंडर्ड वार्निंग स्पष्ट और समझने वाले तरीके से कितने समय तक चलनी चाहिए. म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. यह है एक स्टैंडर्ड वार्निंग फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स. ये 14 वर्ड स्टैंडर्ड वार्निंग ऑडियो विजुअल मीडिया बेस्ड एडवर्टाइजमेंट में कम से कम 5 सेकंड तक चलना चाहिए. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फॉर द म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सेबी ने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की अनुमति दी है विद सम कंडीशंस, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड हाउस को प्रमोट नहीं करेगा. एंडोर्समेंट ओनली टू एडुकेट एंड फॉर अवेयरनेस ऑफ इन्वेस्टर्स. उसी के लिए एक्सपेंस को उस अमाउंट तक सीमित किया जाए जो इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस इनिशिएटिव के लिए रखी गई है. And SEBI approval is mandatory for celebrity endorsement. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडवर्टाइजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस शैल बी इन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम एग्जिस्ट्स फॉर मिनिमम 5 years. Whether this statement is true or false. Performance का advertisement CAGR में होगा अगर कोई mutual fund scheme exists for minimum 5 years. ये statement सही है या गलत. Performance advertisement CAGR में होगा अगर कोई mutual fund scheme exists for more than 3 years. It shall be provided in terms of CAGR for the past 1 year. 3 year, 5 years, जब से स्कीम में यूनिट अलॉट किया गया है. स्कीम जो 6 महीने से कम समय के लिए मार्केट में रहता है उसके लिए पास्ट परफॉर्मेंस एडवर्टाइज नहीं होनी चाहिए. अगर कोई स्कीम एग्जिस्ट फॉर मोर देन 6 months बट लेस देन 1 year, तो एडवर्टाइजमेंट की डेट से पहले महीने के अंत के अंतिम दिन से पिछले 6 महीने के लिए स्कीम की सिंपल एनालाइज्ड ग्रोथ रेट प्रोवाइड की जाएगी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्वेस्टर्स हैव द राइट टू इंस्पेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर्स को देखने का राइट है. कोई भी इन्वेस्टर्स को की डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने के राइट है. डॉक्यूमेंट्स सच एज ट्रस्ट डीड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट, आरटीए एग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एएमसी. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन.
investors can change their distributor without any no objection certificate from the existing distributor. State whether this statement is true or false. Investors existing distributor से बिना किसी no objection certificate के अपने distributor को बदल सकते हैं. ये statement सही है या गलत? Investors अपने distributor को बदल सकते हैं और can opt for direct investment. Investors को AMC को एक written request भेजना होगा distributor को change करने के लिए. AMCs will comply the same without insisting investors for any kind of no objection certificate from the present distributor. So, this question ka sahi answer hai option A, true. Next question. What is the full form of SCORE which enables the market intermediaries and listed companies to receive complaints from investors, redress such complaints and report redressal? SCORE एक सिस्टम है जिसके द्वारा इन्वेस्टर्स अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट की स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, इंटरमीडियरीज और लिस्टेड कंपनीज रिड्रेसल की रिपोर्ट कर सकती है. स्कोर्स का फुल फॉर्म क्या है? स्कोर्स सेबी की एक वेब बेस्ड ग्रीवेंसेस रिड्रेस सिस्टम है. सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम इज एब्रिविएटेड एज स्कोर्स. अगर कोई इन्वेस्टर स्कोर्स से फेमिलियर नहीं है तो सेबी ऑफिस में फिजिकली फॉर्म से कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, जो स्कैन करके स्कोर में अपलोड किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अग्नि? द गाइडलाइन सेट बाय एमपी फॉर द इंटरमीडियरीज इन म्यूचुअल फंड बिजनेस. अग्नि का फुल फॉर्म क्या है? इंटरमीडियरीज के लिए एमपी के द्वारा बनाए गए सेट ऑफ गाइडलाइंस को अग्नि के नाम से जाना जाता है. ये सभी इंटरमीडियरीज के लिए लागू है, जैसे कि इंडिविजुअल एजेंट्स, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक्स, डिस्ट्रीब्यूशन हाउस एटसेट्रा. एमपी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज को संक्षिप्त किया गया है एज अग्नि. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, एमपी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडिएट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर एंड मिसेस एक्स वेंट टू द ऑफिस ऑफ ए म्यूचुअल फंड हाउस टू इन्वेस्ट इन ए ओपन एंडेड लार्ज कैप इक्विटी फंड. दे फिल्ड अप द रिक्विजिट फॉर्म एंड अपॉइंटेड देयर फोर वर्ड्स एज नॉमिनीज. विल द फोर नॉमिनीज बी एक्सेप्टेड बाय द म्यूचुअल फंड हाउस? क्वेश्चन सिंपल है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर कितने नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं? ये चारों नॉमिनी के एक्सेप्ट होगा? इन्वेस्टर्स कैन अपॉइंट अप टू थ्री नॉमिनीज. इन्वेस्टर्स नॉमिनीज के बीच परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई कर सकते हैं. इनकेस ऑफ डेमिस ऑफ द इन्वेस्टर, नॉमिनीज विल बी एंटाइटल्ड फॉर द यूनिट्स. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में चार नॉमिनी अपॉइंट नहीं हो सकती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज एग्रीव्ड बाय अ रूलिंग ऑफ सेबी कैन फाइल एन अपील विद द डैश. सेबी के रूलिंग से जो सेटिस्फाइड नहीं है वो इसके पास अपील कर सकता है. एमपी, आरटीए, एएमसी, डिपॉजिटरीज या अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंटरमीडियरीज के खिलाफ सेबी में कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है. एनीवन जो सेबी के रूलिंग से सेटिस्फाइड नहीं है
वो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी सेट के पास अपील दायर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनिशिएटेड बाय एमपी इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट बाय एन इंटरमीडियरी। अगर कोई इंटरमीडियरी कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच करता है तो एमपी क्या एक्शन लेता है? किसी भी इंटरमीडिएट द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच होने से एमपी टेक्स द फॉलोइंग एक्शन। डॉक्यूमेंटरी एविडेंस एनक्लोज करके एमपी इंटरमीडिएट को लिखता है और 3 हफ्ते के अंदर एक्सप्लेनेशन मांगता है। एमपी एक वार्निंग लेटर भेजता है। अगर 3 हफ्ते में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फेक्टरी नहीं है, एमपी कैंसल्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इन केस ऑफ सेकेंड प्रूफ्ड वायलेशन। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, जो एक्शन एमपी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम कैन बी डन बाय म्यूचुअल फंड हाउस। स्टेट व्हेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा एग्जिस्टिंग स्कीम्स का कन्वर्शन एंड कंसोलिडेशन किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सेबी ने 1996 में म्यूचुअल फंड रेगुलेशन जारी किए। तब से लेकर अब तक वेरियस रेगुलेशंस, गाइडलाइंस और सर्कुलेशंस के जरिए कोई अमेंडमेंट जारी किए गए। एज पर द रिलेवेंट रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, सर्कुलर्स, स्कीम्स की नंबर कम करने के लिए स्कीम्स मर्ज और कंसोलिडेशन हो सकता है। इसमें सेबी के प्रायर अप्रूवल जरूरी है। कंसोलिडेशन कन्वर्शन ऐसे किया जाना चाहिए कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट रिमेंस प्रोटेक्टेड। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस should be compared with cash return index. Mutual fund scheme के performance की comparison किस return index से की जानी चाहिए? Price return index only अपने constituents के price movement और capital gain को consider करता है। टोटल रिटर्न इंडेक्स कैपिटल गेन्स के अलावा उन सभी डिविडेंड्स, इंटरेस्ट को कंसीडर करता है व्हिच मेक अप द इंडेक्स। म्यूचुअल फंड स्कीम के परफॉर्मेंस तुलना करने के लिए TRI इज मोर एप्रोप्रिएट एज ए बेंचमार्क। सेबी ने ये मैंडेट दिया कि 1 फरवरी 2018 से सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू बी बेंचमार्क्ड अगेंस्ट TRI। सही आंसर है ऑप्शन सी टोटल रिटर्न इंडेक्स TRI। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ क्रिएटिंग सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो वॉज लेड डाउन बाई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन द ईयर डैश। सेबी द्वारा सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाने के डिसीजन किस वर्ष में लिया गया है? सेबी ने यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्रिएट करने का फैसला लिया था। यह डिसीजन लिया गया था 2018 के क्रेडिट क्राइसिस के दौरान। क्रेडिट इवेंट के मामले में सभी इन्वेस्टर्स को फेयर ट्रीटमेंट देने के लिए यह डिसीजन लिया गया था। यह फैसला लिक्विडिटी रिस्क से निपटने के लिए लिया गया था। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट इन अदर स्कीम्स
of the same mutual fund or other mutual fund. It shall not be more than 10% of net asset value of the scheme as per investment restriction guideline set by SEBI. एक म्यूचुअल फंड स्कीम उसी म्यूचुअल फंड की अदर स्कीम या अदर म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकती है। सेबी गाइडलाइंस के अनुसार नेट एसेट वैल्यू का मैक्सिमम कितना परसेंट इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये स्कीम के नेट एसेट वैल्यू के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरह के इन्वेस्टमेंट पर एएमसी कोई फीस नहीं ले सकती है। ये रूलिंग फंड ऑफ फंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फंड ऑफ फंड दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड्स कैन एडवांस अ लोन, स्टेट व्हेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। म्यूचुअल फंड लोन दे सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत। म्यूचुअल फंड कभी भी कोई लोन नहीं देते, ये सेबी का एक जनरल रेस्ट्रिक्शन है। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को गिरवी रखकर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या बैंक से लोन लिया जा सकता है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स। दिस वाज फ्रॉम चैप्टर 4। आप एमसीक्यूज के साथ साथ कोर्स मटेरियल भी देखते रहिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ एग्जाम प्रिपरेशन भी बेहतर होगा। पिछले 3 एमसीक्यूज वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।